वेलकम टू पीबीजी ट्री की क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन का हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है, सीजीएल में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन जो है सीजीएल का ही है, ठीक है। इसके बाद पॉलिटेक्निक एग्जाम्स, बीएड, एंट्रेंस, ये सब में सभी में पूछे जाते हैं। देखिए इस तरह का जो भी क्वेश्चन है तो उससे तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस तरह मल्टीप्लाई करके बना लेते हैं। जैसे इस तरह देख लेते हैं, दो एकम दो और एक तीन बटा दो हो जाएगा। अब ये दो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर तीन यहाँ पे हो जाएगा, तो तीन एकम तीन और दो पाँच बटा तीन, ये हो जाएगा टोटली पाँच बटा तीन। और ये तीन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये पाँच से मल्टीप्लाई करेंगे, पाँच एकम पाँच और तीन आठ, आठ बटा पाँच कितना हो जाएगा, आठ बटा पाँच। अब इसको फिर क्या करेंगे, एक बटा आठ बटा पाँच, अब उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, पाँच बटा आठ हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, पाँच बटा आठ, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिक मेथड। इस तरह से मेथड में कभी कभी क्या होता है कि इसमें कन्फ्यूजन होता है इस मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे एक दो, ठीक है, इसको पहले लिख लेंगे एक दो। अब इसको जितनी बार है उतनी बार हम लोग लिखेंगे, क्या है, एक है, एक लिखेंगे प्लस एक, एक बार यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक बार फिर क्या करेंगे, एक बार लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग करते क्या जाएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो दो एकम दो और एक तीन, तीन एकम तीन और दो पाँच, पाँच एकम पाँच और तीन आठ, ठीक है। अब जो होगा ये, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ तक ये समझ में आया, दो एकम दो और एक तीन, तीन एकम तीन और दो पाँच, पाँच एकम पाँच और तीन आठ, ठीक है। अब इसके बाद अब इसको देखते, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे पाँच बटा आठ और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाँच बटा पहले इसको, इसके बाद ये कब लिखेंगे, जब ये क्या एक बटा करके इसके नीचे में हो, जैसे वन अपॉन में करके इसके पूरे नीचे में हो, तब हम लोग क्या लिखेंगे, पाँच बटा आठ। अगर केवल इतना तक का जितना का ब्लू मार्क किया गया है इतना तक का ही अगर आंसर चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या डायरेक्टली एट बाई फाइव, यहाँ तक हम क्या लिखेंगे एट बाई फाइव, ठीक है। इस तरह से समझ में आ गया होगा। वैसे हम लोग आल टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, अब इसको हम लोग करते हैं, तो देखते हैं फिर वही क्या करेंगे, एक लिखेंगे फिर चार लिखेंगे, इस पर कितना, एक दो तीन है तो प्लस एक, प्लस एक और प्लस एक, चार एकम चार और एक पाँच, ठीक है, चार एकम चार और एक पाँच, फिर इसके बाद पाँच एकम पाँच चार नौ, नौ एकम नौ व पाँच कितना हो जाएगा, चौदह, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, नौ बटा चौदह लिखेंगे या चौदह बटा नौ लिखेंगे, ठीक है, नौ बटा चौदह लिखेंगे या चौदह बटा नौ लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग वन प्लस वन बाई ऐसे करके रहेगा, अगर प्लस में पहले ही रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे, चौदह बटा नौ और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, चौदह बटा नौ। अभी हम लोग प्लस का देख रहे हैं, इसके बाद माइनस का देखेंगे, फिर मिक्स देखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, चौदह बटा नौ और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन माइनस वन बाई वन माइनस वन बाई वन माइनस वन बाई थ्री, ठीक है। अभी हो गया वन माइनस वन बाई वन माइनस वन बाई वन बाई थ्री, ठीक है, क्वेश्चन सही है। अब देखते हैं इसको, इसको भी उसी तरह बनाएंगे, क्या लिखेंगे, पहले एक फिर तीन, क्या एक एक एक, अब इसके साथ क्या है, माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस लिखेंगे, माइनस एक माइनस एक माइनस एक, तीन एकम तीन, और अगर यह माइनस है तो क्या करेंगे, अगला वाला को लेस करेंगे, अगर प्लस रहेगा तो अगला वाला क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो तीन एकम तीन और तीन में से एक जाएगा क्या बचेगा, दो, दो एकम दो और दो में से तीन जाएगा क्या बचेगा, दो एकम दो और दो में से तीन जाएगा क्या बचेगा, माइनस वन, ठीक है। अब माइनस वन एकम माइनस वन, अब माइनस वन में क्या करेंगे हम लोग, दो को माइनस करेंगे, देखिए माइनस वन में क्या करेंगे, दो को माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस तीन, ऐसा समझ में, फिर से देख लेते हैं, तीन एकम तीन
तीन एकम तीन में से एक जाएगा, कितना बचेगा दो, दो एकम दो और इसमें से क्या करेंगे तीन घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस वन, और माइनस वन में माइनस माइनस वन में एक का, ये माइनस वन का नहीं मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, एक का ये माइनस, ये दिखाता है कि इसको क्या कहना है, क्रिया क्या करनी है, माइनस की करनी है ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस एक में एक का मल्टीप्लाई करेंगे एक, और इसमें क्या करेंगे अब ये माइनस साइन है तो माइनस क्या करेंगे दो कर देंगे, तो माइनस दो करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस तीन। अब हम लोग देखते हैं कि ए यहाँ से स्टार्टिंग है, इसका मतलब कि पहले इसको इसके बाद में इसको लिखेंगे, तो माइनस तीन बाई एक और ये क्या है माइनस में, माइनस माइनस कट जाएगा, क्या मिल जाएगा मेरा आंसर तीन मिल जाएगा, ऐसे समझ में मेरा आंसर क्या मिल जाएगा तीन मिल जाएगा ठीक है। अब हम लोग इसको एक बार और समझ, अगर माइनस है तो माइनस रखेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे ठीक है। अगर यहाँ पे दो रहेगा तो यहाँ पे दो रखेंगे, तीन रहेगा तो तीन रखेंगे, एक रहेगा तो एक रखेंगे ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन वन प्लस वन बाई वन प्लस वन बाई वन प्लस वन बाई वन माइनस वन बाई फोर ठीक है, वन माइनस फोर। अब यहाँ क्या है तीन को वन ठीक है, वन प्लस वन बाई वन प्लस वन बाई वन प्लस वन बाई वन माइनस फोर। अब वही काम करेंगे, क्या करेंगे एक और चार लिखेंगे ठीक है, क्या करेंगे एक और चार लिखेंगे। अब एक चार इसके बाद क्या है माइनस वन, माइनस वन करेंगे फिर प्लस वन, प्लस वन फिर क्या करेंगे प्लस वन, फिर क्या करेंगे प्लस वन, काम वही करेंगे। चार एकम चार और माइनस है तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तीन, तीन एकम तीन और प्लस है तो जोड़ेंगे तो तीन एकम तीन चार सात, सात एकम सात तीन दस, दस एकम दस सात सत्रह ठीक है। अब यहाँ से स्टार्टिंग है तो क्या लिखेंगे डायरेक्टली इधर से लिखेंगे सत्रह बटा दस अर्थात वन पॉइंट सेवन, और ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया ठीक है, 1.7 क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। फिर से अब हम लोग देखते हैं इसको भी उसी तरह बनाएंगे क्या, पहले तो इसको ऐसे कर लें तो x का मान निकाल लें तो क्या हो जाएगा एक दो, एक 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 प्लस में तो प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक, कुछ करना नहीं है डायरेक्टली हम लोग प्लस एक। आप कहेंगे दो एकम दो और एक तीन, तीन एकम तीन और दो पाँच, पाँच एकम पाँच तीन आठ, आठ एकम आठ पाँच कितना हो जाएगा तेरह। अब इसके लिए टोटल का अगर हम लिखे तो क्या एक प्लस है तो इसे क्या लिखेंगे तेरह बटा आठ अर्थात एक्स बराबर कितना हो गया तेरह बटा आठ। अब हम लोग इक्वेशन में रख लेते हैं तो टू इंटू तेरह बटा आठ प्लस सात बटा चार तो दो चौके आठ। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो तेरह बटा चार प्लस सात बटा चार कितना हो जाएगा चार एलसीएम, चार एलसीएम हो जाएगा तो तेरह चार तेरह प्लस सात अर्थात बीस बटा चार और चार पाँचे कितना हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सरल कीजिए ठीक है, सरल कीजिए क्या है वन प्लस टू बाई थ्री, टू बाई वन प्लस थ्री बाई वन प्लस फोर बाई फाइव ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, वहाँ पे हम लोग पहले देखे थे ठीक है, पहले हम लोग देखे थे कि यहाँ पे क्या था एक एक था, अब क्या आ गया तीन चार पाँच आ गया, तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे ठीक है। तरीका वही अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे पहले चार फिर इसके बाद पाँच, पहले चार इसके बाद पाँच, ऐड कितना है प्लस एक प्लस एक प्लस एक ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है एक स्टेप छोड़ कर लिखेंगे, ये वाला पार्ट कहाँ लिखेंगे तो पहले क्या है इसको छोड़ देंगे, पहले इसको ये तो लिख दिए हैं अब यहाँ पे छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे पहले लिखेंगे तीन, तीन कहाँ लिखेंगे यहाँ पे, फिर दो कहाँ लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे ठीक है। तीन कहाँ ये वाला पार्ट छोड़ देंगे, पांच वाला छोड़ देंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे तीन यहाँ पे लिखेंगे, दो क्या लिखेंगे यहाँ पे। अब इसको ऐड कैसे करेंगे तो देखते हैं, तो पहले इसको इस तरह के पाँच एकम पाँच और चार नौ ठीक है। अब कैसे ऐड करेंगे इसको देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ये समझ गए तो इस तरह के सभी क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। जैसे नौ एकम नौ, अब इसमें जोड़ेंगे तो ये दोनों का क्या जोड़ेंगे मल्टीप्लाई जोड़ेंगे, इन दोनों का क्या जोड़ेंगे मल्टीप्लाई जोड़ेंगे, तो नौ एकम नौ और पाँच तिहाई पंद्रह, और पंद्रह और नौ करेंगे तो कितना हो जाएगा चौबीस ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे चौबीस, अब चौबीस को करेंगे तो चौबीस एकम चौबीस और नौ दुना अट्ठारह, अब जोड़ लीजिए चौबीस और अठारह कितना हो जाएगा आठ चार बारह का दो कैरी वन और दो और एक तीन और एक चार बयालीस हो गया ठीक है। अच्छा से जोड़ लीजिए चौबीस एकम चौबीस, अब इन दोनों का क्या जोड़ते हैं इसमें मल्टीप्लाई, तो चौबीस एकम चौबीस, फिर अगर जोड़ है तो जोड़ेंगे माइनस रहेगा तो
माइनस करेंगे तो 24 से कम 24 और 9 दुना 18। अब 24 में 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 का 2 कैरी 1 और 2 और 3 और 1 4 42। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे 42 लिख देंगे। अब कुछ है नहीं, अब कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्टली 42 बटा 24 लिख देंगे, क्योंकि जब 1 प्लस 2 बाई करके रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर से लिखते हैं, अगर इसके बटा में अगर ऐसे रहे तो क्या लिखेंगे इधर से लिखेंगे। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 42 बटा 24 से कट जाएगा, 6 सात 42, 6 चौके 24, आंसर क्या हो जाएगा 7 बटा 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 बटा 4, ठीक है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ये वाला टर्म और क्वेश्चन इस पर कराते हैं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मिटाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 + 1/1 + 2/1 + 3/1 + 4/5, ठीक है, 1 + 4/5। अब देखिए 2, 3, 4 हैं, इस तरह का क्वेश्चन एक एक वाला तो हम लोग बहुत पढ़े, इसी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसको समझ लेते हैं खूब बढ़िया से, इससे पहले भी देखे थे अभी भी देखते हैं। 4, 5 पहले इसको लिख लेंगे बेस को, 4, 5। अब क्या है, 1, 1, 1 है तो +1 + 1 + 1 + 1, 4 बार लिख दिए +1 + 1 + 1, ठीक है। अब इसका काम करेंगे हम लोग, अब यहाँ से स्टार्टिंग है 3, 2, 1, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 3, 2, 1 छोड़ कर लिखेंगे, ठीक है 3, 2, 1। अब इसको करते हैं हम लोग, तो 5 × 5, 4, 9, ठीक है 5 × 5, 4, 9। अब 9 × 9, 9 × 9 और 5 × 3, 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा 15 × 5, 20 × 4, 24, ठीक है 24 से कम 24 और 9 × 2, 18, तो 24 और 18 कितना हो जाएगा, अभी हम लोग जोड़े हैं 8 × 4, 2 का 2, 2 × 1, 3 और 1, 4, तो 24 और 18 कितना हो जाएगा 42, 42 से कम 42, अब 42 में 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 42 से कम 42 और 42 में 24 जोड़ देंगे, क्योंकि 24 में 1 का करेंगे 24 आएगा, 24 जोड़ देंगे तो कितना होगा 4 × 2, 6 और 4 × 2, 6 और 4 × 2 कितना होगा 6। अब यहाँ पे क्या है, 1 प्लस करके है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इधर से ऐसे चलेंगे, तो 66 बटा में 42, ठीक है 6 × 7 = 42 और 6 × 11 अर्थात 11/7, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 11/7 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो को रोक कर जरूर देखें, 2-3 बार देखेंगे 100% समझ में आएगा, ठीक है ठीक है। सीजीएल का क्वेश्चन है, अब देख लेते हैं इसको, ठीक है। अब क्या है, ये देखिए 7/9 है, तो इसको उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9/7 हो जाएगा, इसके स्थान पर यह क्या हो जाएगा 9/7 हो जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं 9/7 से, ठीक है स्टार्ट करते हैं 9/7 से, क्योंकि 9 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। अब क्या है, माइनस है तो -2 लिखेंगे यहाँ पे, फिर क्या है +3 है, +3 लिख, अब कुछ नहीं है छोड़, अब देखिए मल्टीप्लाई उतना ही करेंगे, 7 × 2 = 14 और 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 14, 5, क्योंकि माइनस का साइन था इसलिए लेस किए, प्लस का साइन आएगा इसलिए ऐड करेंगे, 5 × 3 = 15, 15 × 7 = 15, 5 = 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। अब हम लोग क्या लिखेंगे 22/5 लिखेंगे या 5/22 लिखेंगे, तो देखिए ये क्या है 1/ करके, अगर ऐसे रहता 3 + 1/2 − 1/7 अगर ऐसे रहता तो क्या करते हैं हम लोग डायरेक्टली 22/5 लिखते हैं, लेकिन अगर इसके बटा में भी 1 है तो क्या लिखेंगे 5/22 लिखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 5/22 हो जाएगा, 5/22 ये, और ये क्या प्लस इसमें क्या करना है 17/22, तो अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा ये एलसीएम 22 और 22 और ये भी 17/5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, 22 से 22 कटेगा, क्या हो जाएगा मेरा आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है 22 से 22 कट जाएगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए, इसमें देखिए क्या है 1 + 4/2 − 2 + 3/5 − 1/2 − 1/2 और 10/2, ठीक है ये भी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन, 1, 2, ठीक है यहाँ पे क्या है −5 − 5 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे +2 और +1, फिर इसके बाद क्या है 3, 4 है, यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 4, फिर वही काम करेंगे, ठीक है जो पहले किए थे, तो देखिए 2, 5, 10, 10 में से 1 गया कितना आ जाएगा 9, 9 × 18, 18,
अब इसमें क्या है, 9 दुना 18, 18 दो 20, ऐसा नहीं करेंगे इसको, क्योंकि इसके साथ ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 9 दुना 18 और 3 दुना 6, 18 6 कितना हो जाएगा, 24। अब 24 से कम 24, अब फिर क्या, 9 चौके 36, 24 से कम 24, अब इसको क्या करेंगे, गुणा करके ऐड कर देंगे, तो 9 चौके 36, और 24 और 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 60 आ जाएगा। अब ये एक प्लस करके इसका मतलब ये हो जाएगा आपको 16 अपॉन में 24, 12 5 60 और 12 दूना 24, अर्थात कितना आ जाएगा, 5/2, ठीक है, 5/2। अब इसमें ये भी कर लेते तो ये भी करेंगे तो 2 5 10, 5 आ जाएगा, और 5 में इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -5/2, और दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अर्थात क्या मिलेगा, 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इस तरह से इस टाइप का हम सभी लोग क्वेश्चन को देख लिए। एक और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप का आज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, 1 माइनस a बाई 1 माइनस a बाई 1 प्लस a बाई 1 माइनस a। तो यहाँ पे a, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस a, फिर क्या हो जाएगा, अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग +1, फिर क्या लिखेंगे -1, फिर क्या लिखेंगे -1, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, और इसके ऊपर यहाँ पे क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस a, अब फिर ये ऐड है तो इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, a एक कट जाएगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 1, ठीक है। अब अगला स्टेप देखते हैं, तो 1 में 1 क्या करेंगे, तो 1, और इसमें क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो 1 में 1 और इसको माइनस करना है क्या, 1 माइनस a, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस a, और ये माइनस प्लस कट जाएगा, क्या मिलेगा, a, ठीक है। अब a में -1 क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है, a में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस करेंगे कितना, इसका मल्टीप्लाई करके, तो 1 माइनस 1 गुणे a क्या हो जाएगा, a, और इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो a a करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। अब यहाँ पे 1 माइनस करके इसका मतलब 0/a होगा, अगर ये ऐसे करके रहता तो क्या होता, a बाई 0 होता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा टोटली, अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 0/a, और 0/a क्या मिलेगा, 0, और इस तरह से इसका फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इससे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं, 999 into 995/999 × 999, ठीक है, ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा हुआ भी है, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अगर दूसरा मेथड से करें तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसको इसको कटा दे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते, इसको कटाकर और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर, क्योंकि इस तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी हम लोग 5 सही 1/5 हम लोग क्या लिखते हैं, 5 + 1/5 लिखते हैं, और जब इसमें मल्टीप्लाई है तो दोनों में क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 999 + 995/999, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 999 से, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 999 × क्या हो जाएगा, 999, फिर प्लस का साइन, और इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 995, ठीक है। अब इसको हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, 9 × 9, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1000 - 1 + 995, अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 999, फिर क्या हो जाएगा, 3 0, और फिर इसको करेंगे तो क्या होगा, -999, फिर प्लस क्या है, 995, अब इसमें से ये घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4, अर्थात 9900 माइनस क्या हो जाएगा, इसको अगर इसको करेंगे तो क्या होगा, -4, अब 4 को घटा लेंगे, 000 है, देखें, अब इसमें से 4 को घटा लेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए 10 में से 4 जाएगा 6, 9 बचेगा, फिर ये क्या बचेगा, 9, फिर ये क्या होगा, 8, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 9 9, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया इस तरह, और ये भी समझ लिए कि अगर इसका डायरेक्ट अगर ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, जब भी अगर 99 का ऐसे मल्टीप्लाई करना हो तो कुछ नहीं करना है, इसको एक कम करना है, 998 लिख देना है, और फिर इसी को इसमें घटा देना, तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, ये इस तरह का मल्टीप्लाई करने का तरीका है। अगर इसको भी अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा शॉर्ट
हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट इसका क्वेश्चन दे सकते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो कर रहे हैं हम लोग, क्या इस मल्टी इसका मल्टीप्लाई इसको तोड़ रहे हैं और इसका मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब कि इसका मल्टीप्लाई होगा जितना इसका जीरो का लगभग बनेगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट करने का तरीका मेरा है, इसका यहाँ पे जितना भी नाइन है उतना क्या करेंगे हम लोग नाइन लिखेंगे, यहाँ पे जितना भी नाइन है उतना क्या करेंगे हम लोग नाइन लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ जितना नाइन है उतना हम लोग क्या करेंगे जीरो लिखेंगे, यहाँ पे कितना नाइन है तीन नाइन है तो तीन क्या करेंगे जीरो लिखेंगे। और फिर इन दोनों का अंतर जो है उसको लेस कर देंगे, इसका अंतर कितना है चार का है तो माइनस कर देंगे चार, वही हो जाएगा दस में से चार गया छः, ये हो जाएगा नौ, फिर ये हो जाएगा नौ, और फिर ये बचेगा आठ, ये हो जाएगा नौ, ये नौ, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बना सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और सारा क्वेश्चन है, ठीक है, किरण का जो बुक है उसमें आप लोग देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन एक टू और है उसको आप लोग ऐसे ही बना लीजिए, चाहे देख लेते हैं हम यहाँ भी दूसरा क्वेश्चन जैसे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए ये वाला, ट्रिपल नाइन मल्टीप्लाइड 98 बाई 99 इंटू 99। अब यहाँ पे कितना नाइन है दो नाइन है तो यहाँ पे दो नाइन लिखेंगे, यहाँ पे कितना नाइन है तीन तो तीन क्या लिखेंगे जीरो, अंतर कितना है एक का तो एक लिखेंगे, और दस में से एक जाएगा कितना बचेगा नौ, और ये भी क्या हो जाएगा नौ, और ये भी क्या हो जाएगा नौ, और ये कितना हो जाएगा आठ, और ये क्या हो जाएगा नौ, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तरह के हम लोग इस तरह के हम लोग क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो क्या करेंगे वन बाई फाइव प्लस वन बाई फाइव प्लस क्या करेंगे, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ट्रिपल नाइन मल्टीप्लाई नाइन नाइन, फिर हो जाएगा प्लस फोर नाइन फोर, अब बटा में इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा पाँच, लिख देते हैं चार नौ पाँच गुणे नाइन नाइन, ये कितनी बार में कट जाएगा पाँच में, अब एक बटा में पाँच प्लस इसको क्या करेंगे एक हज़ार माइनस वन इंटू नाइन नाइन प्लस ये चार नौ चार बटा में कितना हो जाएगा पाँच हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा वन बाई फाइव प्लस निन्यानवे ट्रिपल जीरो, फिर क्या होगा माइनस, अब निन्यानवे में करेंगे तो कितना हो जाएगा ये निन्यानवे हो जाएगा, फिर प्लस चार सौ चौरानवे बटा में पाँच। अब हम लोग देखेंगे इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसका इसका मल्टीप्ल देखिए इससे इसी कटाएं तो पाँच है, इसका मतलब इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो चार सौ पंचानवे आ जाएगा, तो एक बटा में पाँच प्लस ट्रिपल नाइन डबल जीरो, फिर माइनस इसका करेंगे तो चार सौ पंचानवे, चार सौ पंचानवे में से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा एक बटा में पाँच, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो चार सौ पंचानवे, चार सौ पंचानवे में से ये करेंगे तो एक बटा में पाँच, और एक बटा पाँच ये कट जाएगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ट्रिपल नाइन डबल जीरो, ठीक है। तो इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अगर इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बस कितना है यहाँ पे देखेंगे कितना नाइन है तो उतना नाइन लिखेंगे, यहाँ पे कितना जीरो है कितना नाइन है तो यह तीन तो तीन जीरो लिख देंगे, और ये मेरा क्या हो जाएगा इस तरह क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ये इस तरह क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा जब भी यहाँ आएगा अंतर वो हमेशा क्या होगा लगभग एक का ही अंतर होगा, और ये इससे जितनी बार में डिवाइड होगा उतना ही यहाँ पे क्या दिया रहेगा प्लस में दिया। इस तरह का जब भी क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, दो क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, ठीक है, किरण के बुक में है देख लीजिएगा, इसमें जितना ये जितना टाइम में ये मल्टीप्लाई होता है उतना ही टाइम क्या कहता है यहाँ पे ऐड करके दिया हुआ रहता है। एक क्वेश्चन देते हैं जो आपके लिए, ठीक है, घर से बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।